हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूँ सुरेखा। सुरेखा स्पेशल रेसिपी में आज आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे बेसन मसाला रोस्ट। बेसन मसाला रोस्ट बनाने की जो सामग्री है वो आसानी से हमें घर पर मिल जाती है। इसे सुबह के नाश्ते पर या फिर शाम के स्नैक्स पर बनाया जाता है। बच्चों के टिफिन में भी देने के लिए बहुत ही काम आता है। जहाँ तक स्नैक्स हो, फास्ट फूड हो, बहुत ही पसंद किया जाता है। बड़े चाव के साथ इन्हें खाया जाता है। तो आइए बनाते हैं बेसन मसाला रोल्स। बेसन मसाला रोल्स बनाने के लिए सबसे पहले हमें बेसन का बैटर तैयार कर लेना है और उसके लिए हमें इन चीज़ों की आवश्यकता होगी। एक बाटी बेसन, लहसुन, दो हरी मिर्च और आधा इंच अदरक का टुकड़ा, इसकी मैंने पेस्ट तैयार कर ली है। हरा धनिया बारीक कटा हुआ, हींग, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और नमक। एक बाटी बेसन डाला है, एक टेबलस्पून लहसुन, अदरक और हरी मिर्च की पेस्ट, एक टेबलस्पून बारीक कटा हुआ हरा धनिया, हींग डाल देंगे एक पिंच, आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, इसमें मैंने हरी मिर्च भी ऐड की है पहले, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, नमक ले लेंगे स्वाद के अनुसार, थोड़ा सा पानी डालेंगे पहले और इसका स्मूथ बैटर तैयार कर लेंगे। इस बैटर को हमें एकदम स्मूथ करना है, इसमें बिल्कुल गुठलियां नहीं रहनी चाहिए। थोड़ा सा और पानी डालेंगे मैं। इसे ज्यादा गाढ़ा नहीं बनाना है हमें। इस बैटर को हमें अच्छी तरीके से फेंटना है और इस तरीके से इसको बनाना है ताकि ये चम्मच से इजीली इस तरीके से गिरे। इतना पतला हमें इसे बनाना है। हम रोल्स बनाने के लिए मसाला तैयार कर लेंगे। तब तक हम इसे ढक्कन रखकर ऐसे ही 5-10 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि अच्छे से सेट हो जाए। बेसन मसाला रोल्स बनाने के लिए हमें मसाला बनाना है, उसके लिए हमें किन चीज़ों की आवश्यकता होगी ये देख लेंगे पहले। बारीक कटे हुए प्याज, मूंगफली, सूखा नारियल, लहसुन, अदरक और हरी मिर्च की पेस्ट, हरा धनिया, सफ़ेद तिल, खसखस, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, हल्दी पाउडर, नमक, चीनी और तेल। अब इन सभी चीजों को हम आवश्यकता के अनुसार लेंगे। सबसे पहले 3 चम्मच मूंगफली लेंगे और उसको भून लेंगे। मूंगफली को हमें अच्छे तरीके से चटकने तक भूनना है ताकि वो अच्छे क्रिस्पी लगे। एक क्रैक होने पर हम इसे अच्छी तरीके से भून लिया है हमने इसको, ये देखिए क्रैक हो गए हैं। अब हम इसे निकाल लेंगे और ठंडा होने के बाद छिलके उतार लेंगे इसके। लगभग 25 ग्राम के करीब सूखा नारियल लिया है, अब इसे भी भून लेंगे। सूखे नारियल को भी हमने भून लिया है अच्छे तरीके से, अब इसको भी हम ठंडा होने देंगे। अब 2 टेबलस्पून तिल लिए हैं और 1 टेबलस्पून खसखस डाल दूंगी मैं उसमें, अब इसे भी हमें भूनना है। इसे लगातार हमें चलाना है, जलने नहीं देना है बिल्कुल। इसकी चटकने की आवाज आ रही है, अच्छी तरीके से इसे भी हमने भून लिया है।
इसे भी निकाल लेंगे। अब इसी कढ़ाई में 2 टेबलस्पून तेल लेंगे। तेल गरम होने देंगे अच्छे से। तेल गरम हो चुका है, अब हम इसमें 2 प्याज लंबे कटे हुए डाल देंगे। इसको हमने लाइट ब्राउन होने तक भून लिया है। अब हम इसमें डाल देंगे लहसुन अदरक और हरी मिर्च की पेस्ट। लगभग 1 टेबलस्पून दी है मैंने। इसे हमने भून लिया है। अब इसमें मैं डाल दूंगी 1/2 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच गरम मसाला, 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, नमक थोड़ा सा स्वाद के अनुसार, 1/2 छोटी चम्मच चीनी। अब इसे हमें लगातार भूनना है और गैस का फ्लेम एकदम बारीक कर लेना है। मसाले हमने भून लिए हैं, अब हम गैस बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे पहले प्लेट में निकाल के। सभी मसाले भून लेने के बाद हमने ठंडे कर लिए हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे और इसे मिक्सर में पीस लेंगे। मसाले को हमने दरदरा पीस लिया है। हमें दरदरा इसलिए रखना है क्योंकि मुंह में खाते समय मूंगफली या फिर सूखा नारियल मुंह में आए तो बहुत ही रोज टेस्टी लगते हैं। बैटर को 10 मिनट हो गए हैं। अब इसे इस तरीके से फिर से हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। तवा गरम हो गया है, इस पर थोड़ा सा तेल डाल देंगे। दो चम्मच बैटर लेके हमें इस तरीके से इसको फैलाना है धीरे धीरे। अब जो बेसन का चीला हमने तवे पर डाला है उसके किनारों से हम तेल छोड़ देंगे इस तरीके से। गैस का फ्लेम मैंने मीडियम रखा है। अब हमें किनारों से इस तरीके से इसे थोड़ा थोड़ा ढीला कर लेना है पहले और इसे पलटना है। चीले को हमें दोनों साइड से अच्छी तरीके से सेक लेना है। थोड़ा सा तेल लगा लेंगे इसको। दोनों तरफ से चीला सेक के तैयार हो गए हैं। अब इसे खाली में निकाल लेंगे और दूसरा चीला तैयार कर लेंगे। चीले में हम मसाला भर लेंगे। मसाला और बेसन के चीले को मैंने असेंबल कर दिया है। अब आप इसे चमचे से भी फैला सकते हैं, चीले पर या हाथ से भी फैला सकते हैं। जिस तरीके से आपको इजी लगे उस तरीके से आप इसे फैला सकते हैं। अब हम इसको किनारे से, हमने इसमें मसाला नहीं भरा है, बीच में ही भरा है। अब हम इसका रोल बना लेंगे। अब इस रोल को हम अब
अपनी मनपसंद साइज के अनुसार काट लूंगी। गर्मा गर्म स्वादिष्ट बेसन मसाला रोल्स बनके तैयार हो गए हैं, बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं। आज की रेसिपी आपको कैसी लगी? अगर रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन का बटन भी दबाएं ताकि मेरे हर आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहुंचे। मिलते हैं अगले नई रेसिपी के साथ।